के ऊपर रखे होते हैं। एसपी उनके साथ हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर एसपी वर्मा जी पद्मश्री हमारे बीच आए हैं। इनके साथ वाइस चांसलर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे बीच में है। तो शहीद भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं अपने जो सुमन है वो अर्पित कर रहे हैं शहीद भगत सिंह। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने शहीद भगत सिंह जी उनको यहाँ पर सदर पर जो जैसे हम सबको पता है कि आज हमारे शहीद आज़म जो भगत सिंह जी हैं उनका आज हम सारे लोग धूमधाम से दिन मना रहे हैं। तो मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि हर आदमी जो है जहाँ जहाँ जिस पोस्ट पे जिस जगह बैठा हुआ है सोसाइटी में हर जो है अपने देश के लिए जो है ऐसा काम करे जिससे हमारा देश जो है वो आगे बढ़े और लोग जो हैं वो खुशहाल रहें। और जैसे शहीद भगत सिंह जी ने अपने देश के लिए वो कुर्बानी दी है जहाँ जहाँ जो बैठा है वो अपने जैसा काम करेगा वैसा ही इसी तरीके से हमारे देश की जो है वो डेवलपमेंट होगी और अच्छा लगेगा। सर आज के टाइम में अगर युवाओं की मैं बात करूँ नशे की तरफ जाते जा रहे हैं गलत कामों में बढ़ते जा रहे हैं ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं भगत सिंह जो हैं वो ऐसे तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ड्रग्स का काफ़ी एक लत सी बच्चों को लग चुकी है बट इसमें थोड़ी सी मेरी एक गुजारिश ये रहेगी कि इसमें अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता सारी सोसाइटी मिलके पेरेंट्स जो हैं टीचर्स जो हैं सिविल सोसाइटी जो है वो सारे मिलके अगर हम सारे काम करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इस गलत चीज़ से हम जो है छुटकारा पा सके। तो मेरी आज के दिन पे यही बच्चों को भी गुजारिश है इवन पेरेंट्स को गुजारिश है कि ऐसा करें कि अपने बच्चों को जरूर बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं उनके दोस्त कौन से हैं उनकी किस सोसाइटी में जा रहे हैं और कम से कम एक वक्त का खाना जो है अपनी फैमिली के साथ बैठ के बच्चों के साथ बैठ के खाएं जिससे बच्चों की उनकी एक्टिविटीज़ का पता चलता है और संस्कार जो है बच्चे को जब सबसे ज़्यादा संस्कार जो है बच्चे को घर से ही मिलते हैं तो हम क्यों ना अपने पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहीं घर से शुरू करें और सो दैट कि हम सारी चीज़ें जो है वो इस गंदगी जो गंदगी हमारी सोसाइटी में फैल रही है इसको हम सारे मिलकर दूर कर सकें। जानते हैं कि शहीद आज़म भगत सिंह जी ने जो एक सेक्रीफाइस की अपनी ज़िंदगी और अपने साथियों को जो है वो देश पर निछावर किया और परवाह नहीं की उनका सोल मकसद था कि आज़ादी मिले देश को और जो भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश में रहे हैं उनकी जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते सेक्रीफाइसेस। आज पूरी दुनिया के अंदर देश के अंदर और हमारे जम्मू कश्मीर में और जम्मू के अंदर जो है वो शहीद आज़म भगत सिंह जी को याद किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ शहीद आज़म भगत सिंह फाउंडेशन की तरफ से जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोग्राम ये आज नहीं काफ़ी देर से ये प्रोग्राम जहाँ कर रहे हैं और ट्रेडर्स एसोसिएशन जीवल बाज़ार जो है वो उनकी शराकत से ये प्रोग्राम होता है और उन लोगों को जो रोल मॉडल हैं हमारी देश की उन्नति के लिए जो है वो काम कर रहे हैं उनको ऑनर भी किया जाता है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथी कुलवीर हांडा साहब को आज शहीद आज़म भगत सिंह अवार्ड के साथ जो है वो इनको जो है वो ऑनर किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि हम सबको चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ हों एनजीओज हों बिजनेसमैन हो सिविल सोसाइटी हो भगत सिंह जी ने जो एक बाकायदा एक सपना संजोया था वो
देश कैसा चाहते थे, तो उसको स्टडी करने की ज़रूरत है और वैसा देश जैसा भगत सिंह जी चाहते थे वैसा देश बने और दुनिया के अंदर जो है ये एक लीड ले और पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो देश का भी और दुनिया का भी बने। गीत सदा गाओ देश जो शेर मारो, गीत सदा गाओ देश जो शेर मारो, गीत